चालू हो गया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ सेमिनार है ब्लड द प्रेशर। ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है, और इसके साथ इतने लोग परेशान हैं दुनिया भर के कि मैं बता भी नहीं सकता। और आज हम आपको बताएंगे कि ये ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, और उसी के साथ हम आपके 10 सवालों के जवाब देंगे। पहले 10 सवालों के जवाब, और उसके बाद लास्ट में हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सवाल लेंगे। आज लगातार आपका जो भी ब्लड प्रेशर के ऊपर सवाल है उसके सामने बीपी, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन लिख के फिर सवाल लिखिए, आपका सवाल ज़रूर लिया जाएगा। और शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर एक छोटी डिस्कशन टिप्पणी। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो है यह कि ब्लड प्रेशर शरीर के अंदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर एक ही है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका ब्लड प्रेशर फिक्स्ड होगा। ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जस्ट जैसे आपका मूड है। सुबह उठे खुशी है, शाम को दोपहर में थोड़ा सा आप उदास हैं, फिर बीच में किसी ने एक्साइट कर दिया एक्साइटेड है, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कभी बैठे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कभी लेट गए, कभी सो गए। सो फिजिकल एक्टिविटी ऊपर नीचे होती रहती है, उसी के साथ आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, आपकी दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती रहती है। ये बात समझनी ज़रूरी है। जब भी आप एक्साइटेड होते हो आपका ब्लड प्रेशर हाई जाता है, जब भी आप रिलैक्स्ड होते हो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, जब आप डिप्रेस होते हो, जब आप डर जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जो आदमी जब दौड़ रहा होता है, एक यंग आदमी जब दौड़ रहा होता है उसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर सकता है, जब आप जॉगिंग कर रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर 140, 160, 180 क्रॉस कर सकता है। तो 140, 180, 200, 240 इतना ब्लड प्रेशर हाई पहुंच जाने से किसी की पहुंच जाना खतरनाक नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्लड प्रेशर वहां तक पहुंच गया, प्रॉब्लम यह है ब्लड प्रेशर अगर वहीं रह रहा है, अगर वहीं रह रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, तब आती है प्रॉब्लम। तब उसको कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है शांत करने का, रिलैक्स करने का, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपकी दिल की धड़कन दौड़ने लग गई, आप हाँफने लग गए और वो खत्म ही नहीं हो रहा, आप रुक गए, आप सो गए, लेकिन आपकी दिल की धड़कन तेज 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 खत्म, तो आपको वो बीमारी है, वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगी और दिक्कत होगी, राइट। सेम थिंग गोज विद दिस कि ब्लड प्रेशर अगर हाई रह रहा है लगातार, उसको बीमारी कहते हैं। एक आधी बार हाई हो जाना या थोड़े देर के लिए हाई हो जाना बीमारी नहीं है। इसी तरह जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और उसका हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो काफ़ी बार एंजाइटी से वाइट कोट हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर पता नहीं क्या बोल देगा, क्या दवा दे देगा, मुझे तो दवा नहीं खानी। उस चक्कर में आपका ब्लड प्रेशर जो 110, 120 होना चाहिए था वो 150, 160 आ सकता है, 200 आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है। सो उस समय का हाई ब्लड प्रेशर को एक डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि एकदम से नहीं मान लेना चाहिए, और पेशेंट को कहना चाहिए भाई साहब, बहन जी, थोड़ा सांस लो, रिलैक्स करो, 10 मिनट बैठो, मैं फिर ब्लड प्रेशर लूँगा। तो 10 मिनट बाद रिलैक्स करके फिर ब्लड प्रेशर लेना है। अगर वो ब्लड प्रेशर उतना ही है तब बीपी की दवा की ज़रूरत है, अगर वो ब्लड प्रेशर कम हो गया है मोस्ट प्रोबेबली बीपी की दवा की ज़रूरत नहीं है उस समय में। सो ये एक सबसे बड़ी जानकारी आपको देनी थी ब्लड प्रेशर के बारे में दिमाग लगाना। दूसरी जानकारी जो देनी है कि जो मशीनें हैं, ऑल्दो इस पे मेरे अलग से वीडियोस हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की मशीन कोई भी, अब आवाज आ गई कि ब्लड प्रेशर फिक्स ही नहीं रहता, हो सकता है इस समय लोगे यहाँ पर मेरा ब्लड प्रेशर आ जाए 160 और उसी समय फिर से आपने डिफ्लेट करके फिर से लिया और मैं रिलैक्स हूँ तो 140 आ जाए, हो सकता है उसके बाद मैं एक्साइट हो गया तो 150 आ जाए। सो ब्लड प्रेशर की ये हर सेकेंड हर मिनट वेरिएशन आ सकता है, एक हाथ में अलग हो सकता है, दूसरे हाथ में अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि है ये ब्लड की, खून की नसों में प्रेशर, खून की नसों में जो प्रेशर है वो खून की नस कितनी मोटी है, कितनी पतली है, वो पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। बहुत मान लीजिए अगर ये हाथ की कुदरती भगवान ने नस थोड़ी मोटी बना दी, ये हाथ की थोड़ी सी पतली बना दी, या इस हाथ में जाने वाली खून की नस में कोई दबाव आने लग गया कहीं से, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। सो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस 10-20 से ज़्यादा जब होता है तो फिर हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, वरना नहीं। तो ये भी एक नई चीज़ जानने को मिली। प्लस आपकी मशीन, चाहे वो ये हो चाहे वो हो, वो उस समय एक्यूरेट दिखा सकती है लेकिन उसमें भी वेरिएशन हो सकता है।
डिजिटल मशीन्स में 10 से 20 का वेरिएशन, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 20 इसका वेरिएशन हो सकता है। आप जब घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर हमें पता चले कि आपके शरीर में उस समय ब्लड प्रेशर कितना है, ये नहीं हम जानना चाहते। हम जानना चाहते हैं एज अ डॉक्टर कि ब्लड प्रेशर का वेरिएशन कितना है, क्या आपके पूरे दिन में ब्लड प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ तो कितना कम हुआ, राइट? क्योंकि जहां हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर क्यों है, क्योंकि लगातार हाई ब्लड प्रेशर सालों तक रहेगा तो किडनी में, हार्ट में, खून की नसों में, दिमाग में, हर जगह डैमेज करेगा, धीरे धीरे आपको अंदर से मारेगा। और वहीं लो ब्लड प्रेशर इंस्टेंट किलर है, इंस्टेंट किलर का मतलब है तुरंत बेहोश कर देगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर लो चक्कर खा के गिर जाते हो। शुगर का भी ऐसा ही है, हाई ब्लड शुगर क्रोनिकली धीरे धीरे रहेगा, धीरे 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 आपकी शरीर खराब करेगा, और लो ब्लड लो शुगर सीधा बेहोश कर देगा। सो दोनों में आपको लो से बचना होता है और हाई को मैनेज करना होता है। शुगर के ऊपर वीडियो सेमिनार हो चुका है, बीपी के ऊपर ये वीडियो सेमिनार है, 6 मिनट में इतनी जानकारी दे दी है, 4 मिनट में और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्लड प्रेशर पे बहुत सारे सवाल लेने हैं। देखिए पहले बता दूं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है आपके शरीर में आने वाला नमक। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो खून में नमक ज़्यादा होगा, जहाँ पर खून में 3-4 चीज़ें ऐसी है, एक है नमक, एक है शुगर और एक है प्रोटीन्स। नमक, शुगर, प्रोटीन, जब ये 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं शरीर के खून के अंदर, उस समय आपका ब्लड प्रेशर यानी खून में पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी ज़्यादा रुकता है। सो क्योंकि जहाँ जहाँ ये जाएंगे वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डाइल्यूट करना ज़रूरी है ताकि फ्लो होता रहे, खून फ्लो होता रहे, इसीलिए। तो जब इसके साथ क्या होता है, जब ये ज़्यादा होंगे तो पानी ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए शुगर होती है तो प्यास लगती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो उनकी खून की नसों में जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कम होने के लिए किडनीज काम करती हैं, पेशाब निकालती है, नमक निकालती है, शुगर निकालती है, राइट, प्रोटीन निकालती है अगर प्रोटीन ज़्यादा है। इसीलिए इन सब चीज़ों को एक लिमिट होती है इसकी, प्रोटीन की लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 5 ग्राम पर केजी, 2.5 ग्राम पर केजी कुछ भी उठा के खा रहे हो। शुगर की लिमिट है, शुगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बीपी, नमक की लिमिट है 2200 ग्राम्स पर डे, या मिनिमम अगर लो सॉल्ट डाइट लो तो भी 1500 मिलीग्राम पर डे खाना चाहिए, 1500 मिलीग्राम यानी 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक। तो ये ज़रूरी है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, नमक भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, बंद नहीं कर सकते लेकिन लिमिट में चाहिए। ओवर खा रहे हैं, ओवर कैसे आ रहा है, आप जो चिप्स खा रहे हो, आप जो चिवड़ा खा रहे हो, जो नमकीन खा रहे हो, जो बर्गर खा रहे हो, जो पिज़्ज़ा खा रहे हो, इन सब चीज़ों में या तो हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है या हाई फैट है, यही चीज़ें होती हैं इनमें। ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये तभी आपको क्रेविंग होती है क्योंकि हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई के फूड्स हैं। घर के खाने में ज़्यादा नहीं होता, घर के खाने में नमक कम करिए ठीक है, लेकिन ज़ीरो मत करिए, ठीक है। सेंधा नमक, काला नमक, पहाड़ी नमक, रॉक सॉल्ट, ये सारे नमक सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक एक ही है, कोई फर्क नहीं है इनमें। सिर्फ सेंधा जो दूसरे नमक है, रॉक सॉल्ट है, उसमें कलर के कुछ कुछ मिनरल्स डाले हुए हैं, वो मिनरल्स नमक से आए, नहीं तो पानी से आए या खाने से आए, आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में जो मैटर करता है वो नमक यानी सोडियम क्लोराइड, राइट। तो अगर आप नमक बदल के सेंधा नमक, काला नमक, रॉक सॉल्ट ये ले रहे हैं तो एक्चुअली कुछ फायदा नहीं हो रहा है कि नमक कम हो गया, नमक ही कम करना है। उसके लिए आप लो सॉल्ट, लो सोडियम वाला सॉल्ट ट्राई कर सकते हो, और अल्टीमेटली ये सेम चीज़ है। पोटेशियम सॉल्ट अलग चीज़ है, वो मिलता नहीं है मार्केट में, इंडिया में तो नहीं, ऑनलाइन मंगा के आप ट्राई कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम है जो मेन प्रॉब्लम है, तो नमक कम करना है, किडनी फंक्शन खराब नहीं होना चाहिए, थायराइड हाइपर होगा तो हाइपरटेंशन होगा, लो होगा तो हाइपोटेंशन होगा, और हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो भी आपका प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रेस होगा, एनजाइटी होगी, 4 दिन नहीं सोओगे तो भी बीपी बढ़ेगा, नींद नहीं आती है तो भी बीपी बढ़ेगा, घबराहट होती है तो भी बीपी बढ़ेगा, किसी प्रकार की और मान लीजिए दर्द है, सर दर्द है, आँखों में दिक्कत है, बुखार है, तो उन सब चीज़ों में बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। शरीर में जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो खून की नसों में से पानी बाहर छूट जाता है, इसलिए हाथ पैर सूज जाते हैं। जब पानी छूट जाएगा तो अंदर बीपी कम हो जाएगा, इसलिए इन्फेक्शन सेप्सिस में बीपी कम हो जाता है। लेकिन जब उस समय से पहले जब फाइटिंग हो रही होती है तब उस समय बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जहां इन्फेक्शन है वहां खून ज़्यादा चाहिए, तो उस समय बीपी बढ़ जाता है। तो ये हुई बीपी के ऊपर एक टिप्पणी वाली डिस्कशन, जिसमें हमने बहुत सारा सार बता दिया। अब अगर आपका सवाल के जवाब इन सब में नहीं दिए गए हैं तो आप बीपी पे सवाल पूछिए, तब तक के लिए मैं पहले 10 सवाल और पेड सवाल के जवाब दे देता हूँ।
सो पहले 10 सवालों के जवाब देने के लिए हम सबसे पहले एक बारी ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, ये हुआ वीडियो की शुरुआत। 22-13, 22-13 पे यार ये गड़बड़ हो गई हमारे साथ। आई हैव राइट टॉप चैट, लाइव चैट। पहला सवाल किसका था मुझे खुद नहीं पता। एनीवेज, बाप रे, एक 22-13 पे हजारों सवाल है तो हमें कोई आइडिया नहीं है। पहला सवाल राजदीप जी का था या इसका था कि उसका था। सो इसको ऐसा करते हैं, शुरुआत ही कर लेते हैं। वाओ मैन, वाओ वो, वी हैव अ लॉट ऑफ डोनेशंस टुडे। 400 रुपीज डोनेटेड बाय समवन, तो थैंक यू सो मच। सो मुझे थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि दिक्कत हो रही है। एनीवेज, कैन स्मोकिंग एट 19 ईयर्स ओल्ड कॉज बीपी? एब्सोल्युटली, स्मोकिंग किसी भी उम्र में बीपी करेगा। अगर छोटा बच्चा फैक्ट्री में किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ धूल मिट्टी धुआं बहुत है, तो उसको भी बीपी हो, उसके भी ब्लड वेसल्स में डैमेज होगा। ऑल दो थोड़ा स्लो होगा, यंग एज में आपके खून की नसें एडजस्ट कर लेती हैं काफ़ी, तो उम्र के साथ जल्दी हो जाएगा, लेकिन होगा, नुकसान तो होगा ही। ऑलराइट सर, मेरे पापा का बीपी बड़े जाता है तो क्या करें? बीपी बढ़ता जाता है तो आपको पहले बीपी को ट्रैक करना है, जो मैंने सिस्टम बताया। जब तक आपको ये नहीं पता होगा बीपी कम होता है कि नहीं होता है, आपको कैसे पता कि बीपी है भी या नहीं? जब चेक करते हो एनजाइटी से बढ़ सकता है। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को पहला होमवर्क देता हूँ कि बेटा पहले जाओ, पहले आप अपना बीपी सुबह कम से कम दिन में एक बार चेक करेंगे। अच्छा होगा अगर 2 बार करोगे, और अगर आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है तो बस डन, एक बार चेक किया, नॉर्मल है, लिख के रख लो। अगर आपका बीपी हाई आता है तो आप लंबी डीप और स्लो री सांस लोगे, रिलैक्स करोगे, और 10 मिनट बाद चेक करोगे, फिर 10 मिनट बाद चेक करोगे, फिर 10 मिनट बाद चेक करोगे। ऐसे आप देखोगे कि उतनी ही दवा पे या बिना दवा के जो भी आपकी चल रही है, वो बीपी जो हाई था क्या वो कितने देर में कम होता है। अगर वो घंटे भर के अंदर आराम से बिना किसी दिक्कत या रिलैक्स करने से 10 मिनट में, किसी के 2 मिनट में, किसी का 1 घंटे में कम हो जाता है, और उसका कोई एक्सप्लेनेबल कारण नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई आप पे उधार नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा दवा की जरूरत नहीं है। कोई आप सोए नहीं हो, मैं सारे कारण बता दूँ, उसमें से कोई एक कारण नहीं है, तो पहले कारण करेक्ट करो, फिर बीपी की दवा, नहीं तो बीपी की दवा खानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो पापा के बारे में ऐसे करो। थैंक यू हरसिमरन जी। सर, प्री गाबालीन किस बीमारी में लेते हैं? प्री गाबालीन और गाबापेंटीन ये सब नसों की बीमारी में देते हैं, दिमागी बीमारी में देते हैं, जब नसें दिमाग के सेंसेशन स्लो या उसकी नसों की स्पीड कम हो जाती है तब देते हैं। B12 डेफिशिएंसी से ऐसा होता है, डायबिटीज से, न्यूरोपैथी होती है, ऐसा होता है, कहीं भी नसों में सुन्नपन आता है तो ये दी जाती है। ऑलराइट, जॉब पर बीपी 90/150 बट होम नॉर्मल। ठाकुर जी, आप पुलिस में काम करते हैं, आपको स्ट्रेस वाजिब है, तो आपके लिए यही होगा कि जॉब में भी जब भी आपको स्ट्रेस होता है लंबी लंबी सांसें लीजिए। राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एक तरीके से थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एथलीट्स का बेसलाइन ब्लड प्रेशर, बेसलाइन हार्ट रेट कम हो जाता है क्योंकि उनको आदत हो जाती है। तो इसी तरह से आपको एक एथलेटिक लाइफ टाइप जिएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। मैं नहीं कह रहा रोज के रोज मैराथन रन करो, बट रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। राइट ठाकुर जी, आई एम सो वीक, इवन आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आई एम 25। अगेन, वीकनेस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है मेरी, उसको जाके देखिए। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बीपी के कई कारण है, कारण के बगैर इलाज कैसे होगा। राइट, तुक्के नहीं मारना है, पूड़ियाँ नहीं खानी है। और राइट, प्लीज़ सर, कॉज एंड क्योर फॉर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी। हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ किडनी का मतलब होता है कि किडनी में पानी ज़्यादा आ गया है, यानी कि यूरिन ज़्यादा आ गया है, और यूरिन ज़्यादा भर रहा है का मतलब यह है कि नीचे जाने वाली जो फ्लो है वो बंद हो रहा है। अगर आपका पाइप बंद हो जाएगा नीचे जाने वाला, तो बैक प्रेशर से किडनी में सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उस केस में आपके किडनी के ऊपर जो कैप्सूल होता है, कवरिंग होती है, वो स्ट्रेच होती है, और जोरदार पेन होता है जिसको रिनल कोलिक कहते हैं। उस पेन में इंसान को बहुत दर्द होता है, इंजेक्शन लगाने भी दौड़ना पड़ सकता है। तो अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो पहले आप IVP या एक KUB अल्ट्रासाउंड या KUB एक्सरे करा के पत्थर या स्ट्रिक्चर या ऐसी चीज़ ढूंढिए जो रास्ते में रुकावट कर रही है, और उसको निकालने के यूरोलॉजिस्ट से बात करिए, वो निकल जाएगी तो आपकी किडनी भी ठीक हो जाएगी। और राइट, करण पवन जी, सर पेट में फुलनेस रहती है क्या? गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर को दिखाया बट कोई फ़ायदा नहीं मिला। एंडोस्कोपी में ईसोफेजाइटिस है, मैं क्या करूँ? वेट 15 किलो कम हो गया, कौन सी टेस्ट कराना चाहिए? 15 किलो वेट अगर आपका बहुत जल्दी हुआ है, बिना किसी कारण के, बिना डाइट के हुआ है, तो आपको
कायदे से तो और टेस्ट करने पड़ेंगे। 15 किलो अगर एक आध महीने में ही हुआ है तो ये अगेन सिग्निफिकेंट वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अंदरूनी बीमारी का अंदेशा है। कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन अगर स्लो हुआ है ओवर 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो कोई टेंशन नहीं है। ईसोफेजाइटिस है आपको, ऑलरेडी आपने बता ही दिया। ईसोफेजाइटिस का मतलब यहाँ पे आपकी जो फूड पाइप है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पर आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम दूसरी कोई है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए एंटासिड्स खाने पड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। आपको खाना अच्छे से चबा चबा के खाइए, स्पाइसी चीज़ें वो चीज़ें ना खाइए। डाइजेस्टिव हेल्थ वाली मेरी पूरी सीरीज़ देखिए। अल्टीमेटली एक ईसोफेजाइटिस को हील करने के लिए वो करना पड़ेगा। एच पायलोरी का टेस्ट करा सकते हो, एच पायलोरी पॉजिटिव है तो अमॉक्सिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक लंबे समय लेनी पड़ सकती है। ये हुई बात आपकी, क्षमा। ऑलराइट, फिर सुपर चैट के लिए मैं अभी आऊंगा, जितने सुपर चैट करेंगे उनके सवालों को जवाब जरूर दिया जाएगा, एज यूजुअल, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट सर, माय बीपी इज यूजुअली लो एज 110/70, आई एम मेल 33 इयर्स ओल्ड। देखिए मेल 33 110/70 इज नॉट लो बीपी, इज नॉर्मल बीपी, ठीक है। लो बीपी मींस 90/60 या उससे कम, 90/60 या उससे कम है तो आपका लो बीपी है, वरना आप मजाक मत करो, ठीक है। 110/70 इज ओके, राइट। देखिए 120/80 आइडियल ब्लड प्रेशर है, उतना किसी का हमेशा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। 121 होगा, 122 होगा, 181 होगा, ऐसा होगा, ऊपर नीचे हिलता रहेगा, तो उससे 20 ऊपर 20 नीचे तक, 10 ऊपर 10 नीचे तो कहीं भी एक्सेप्टेबल है। कभी कभी 20 ऊपर 20 नीचे भी चले गया तो चलेगा। हमेशा अगर 20 ऊपर रह रहा है, यानी हमेशा 160 है, देर माइट बी अ प्रॉब्लम। हमेशा 140 है, देर माइट बी अ प्रॉब्लम, माइट बी, नॉट ऑलवेज। Have to investigate, you have to think, सारी चीजें, स्ट्रेस कितना है, सो कितना रहे, उसके वजह से हो सकता है कि नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, ये हो गए बात, कितने सवाल हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल। हेल्थ बेनिफिट ऑफ रॉ एग इन मिल्क एट मॉर्निंग। ऑलराइट, ये क्या है, हेल्थ बेनिफिट ऑफ रॉ एग इन इन मिल्क एट मॉर्निंग टाइम। वॉट अबाउट साल्मोनेला बैक्टीरिया इन दिस प्रिपरेशन, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बेदी बैक्टीरिया। देखिए कच्चे अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है, येस दैट कैन बी ए देयर, कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड इफ इट गेट्स इन्फेक्ट, इफ यू गेट इन्फेक्टेड देन साल्मोनेला विल लीड टू डेवास्टेटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इट मीन्स यू विल हैव आपको लूज मोशन, डायरिया, ब्लड इन डायरिया, डायरिया, डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी अ वेरी ह्यूज इशू, आप एडमिट भी हो सकते हो। दैट्स वाई अंडे को पका के खाना चाहिए, लेकिन अंडे में भी एक पार्ट होता है जो उसका वाइट पार्ट होता है, वाइट वाला पार्ट, उसको पकाना अच्छा होता है, और एग येलो वाला पार्ट, उसको थोड़ा सा कच्चा रखना अच्छा होता है। सो दैट्स हाउ अलग अलग एग की डिशेज आर इजाद। ऐसा नहीं है कि हर अंडा साल्मोनेला पॉजिटिव होगा, और अंडे में, दूध में अंडा डाल के खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली कई लोग कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पेट में अगर आपने अंडा खाया फिर चाय पी या दूध पिया तो अल्टीमेटली अंदर जाके तो मिक्स हो ही रहा है। सो बाहर मिक्स करके खा लिया तो कोई इशू नहीं है। किसी को टेस्ट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, इट्स अप टू योर चॉइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, लव यू सर, लव यू मान लव जी, आई एम फ्रॉम टापा मुंडी पंजाब। ओके जी, बहुत बढ़िया। माय क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज आई बर्न फॉर लूजिंग 1 kg ऑफ वेट। ये तो भाई कैसी बात हुई, एक जगह से आप पानी डाल रहे हो, दूसरी जगह से पानी निकल रहा है, अब उसमें मैं इसमें से कितनी डोंगे पानी निकाल लूँ कि भाई मैं थोड़े से पतले हो जाऊँ। यहाँ से कितना आ रहा है, वहाँ से कितना निकल रहा है, इन सब पे भी तो डिपेंड करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप कितना खा रहे हो, कितना इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद आएगा आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता भाई साहब, आपका सवाल ही गलत है। आप एक रोटी कम कर दो रोज की, या आप रोटियां आधी कर दो, आप जो चाह रहे वो हो जाएगा। रोटियां आधी कर दो, आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल लेते हैं अपने सुपर 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 चैट का। सुपर चैट है पहला जयंता चटर्जी, पहले वैसे और एक चैट आया है हमारा, पहले एक और चैट था, 100-400 rupees का एक सुपर चैट था, वो भाई साहब का चैट का क्या हुआ। ओह या हमारे ए के नायक जी, माय फ्रेंड हैज़ वेरी हाई बीपी, हाई एचडीएल एंड हाईली डायबिटिक आल्सो, ऑलराइट, विथ हार्ट अटैक एट 34 इयर्स एंड 2 major blocks एंड हैज़ नर्वस डिसऑर्डर एज वेल, 1 stent आल्सो, ही स्मोक 1 pack अ डे एंड ड्रिंक्स वीकेंड, हैज सेक्स प्रॉब्लम आल्सो। भैया क्या बच गया, सब तो कर लिया, हद हो गई। पहले तो स्मोकिंग बंद कराइए, ड्रिंकिंग रेयरली कराइए, वंस अ वीक इज़ नॉट, मतलब उनके लिए ठीक नहीं है। ऑलरेडी इतने सारे मूड डिसऑर्डर्स हैं,
कोई भी सीएनएस स्टिमुलेशन, दिमाग का स्टिमुलेंट अच्छा नहीं है उनके लिए, वो पहले बंद कराइए आप, और बीपी मॉनिटर करना शुरू करिए। 2 स्टेंट 1 स्टेंट 3 स्टेंट लग चुके हैं, देन लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 34 इयर्स की एज में उन्होंने अपनी ऐसी तैसी करी है, ही नीड्स टू लूज वेट, वॉट एवर ही नीड्स टू लूज वेट, चाहे वो पतले ही हैं तो कम वेट लूज रखना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है, एनजाइटी डिसऑर्डर्स, अगर उनको नींद नहीं आती है तो वो मैनेज करना है, मैं वही बोलूँगा एक टोटल लाइफस्टाइल चीज़ है ये, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उनसे कहिए हमारे वीडियो देखना शुरू करें और कृपया अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करें। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन हार्ट के बारे में। मेडिकेशन कभी बंद ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेडिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो सकती है, लेकिन आप नहीं करेंगे, डॉक्टर करेंगे। थैंक यू विजेंद्र जी फॉर द डोनेशन। नवीन कुमार जी कह रहे हैं लो बीपी एंड AFI, acute febrile illness, 8 to 9 in 32 weeks pregnancy, what to do? AFI is आपका acute febrile illness होता है वैसे AFI। alright, see अगर आपको acute febrile illness और low blood pressure है तो ये एक serious चीज हो सकती है। Number one, आपको इवेल्युएट करना है कि ब्लड कल्चर, ब्लड और यूरिन कल्चर कराइए। नंबर वन, इन्फेक्शन यूरिन का होता है प्रेगनेंसी में भी, तो कहीं इन्फेक्शन ब्लड में तो नहीं फैल गया, बिकॉज दैट्स द वे, जैसा मैंने बताया खून की नसों में अगर ब्लड फैल गया तो खून की नसें जो है वो पोरस हो जाती है, उसके आर पार पानी निकल जाता है, चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे वो एडिमा हो जाएगा पूरी बॉडी में और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। ये चीज़ प्रेगनेंसी में, ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिट सिस्टम बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, उस समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। बेटर होगा अगर सिस्टम कंट्रोल नहीं है, बीपी लो है, तो उनको एडमिट करा लीजिए, डॉक्टर्स इवेल्युएट करके नेसेसरी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत है तो वो शुरू करेंगे, टेस्ट कराएंगे कि क्या वायरस बैक्टीरिया क्या इन्फेक्ट हुआ है। स्वाइन फ्लू चल रहा है उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि स्वाइन फ्लू ना हुआ हो। राइट, सो ये हुई बात आपकी एक्यूट फेब्रुअल इलनेस के लिए, आपको ये करना पड़ेगा प्रेगनेंसी में, व्हाट टू डू, गेट एडमिटेड, गेट इनटू हैंड्स ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट। राइट, जयंता जी पूछ रही हैं, एज यू सेड टेंशन कैन अफेक्ट बीपी, बट कैन टेंशन अफेक्ट शुगर, प्लीज क्लियर डाउट। एब्सोल्युटली, टेंशन विल अफेक्ट शुगर, विल अफेक्ट बीपी, विल अफेक्ट हार्ट प्रॉब्लम्स, विल अफेक्ट हार्ट रेट, विल अफेक्ट दीज थिंग्स। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, नंबर वन हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम ही नाम है, इट्स अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ग्लूकोज बनाओ, उसका और कोई काम नहीं। वो सीधा समझता है कि लड़ाई होने वाली है, हमारे पास खाना आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, शरीर में ग्लूकोज, खून में ग्लूकोज चाहिए, क्या पता हमें लगातार 1500 पंचेज मारने हो, क्या पता हमें लगातार उस डायनासोर से भागना हो। ये सीधा आपके कॉर्टिसोल का दिमाग चलता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, वो सीधा ग्लूकोज बनाना शुरू करता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाता है। चाहे आप इंसुलिन ले, चाहे कोई भी दवा खाए, स्ट्रेस है तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा। वैसे ही जब नींद नहीं आ रही है, ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा, दवाई बढ़ती जाएगी। जिस दिन आप दवाई बढ़ाते जाओगे, उस दिन अगले दिन एक, मान लो एक बार आपका स्ट्रेस अच्छा हो गया, आप रिलीव हो गए, फिर आपका उतनी हाई शुगर की दवाओं से सीधा शुगर लो हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। सो यही गेम होता है, जब डॉक्टर्स या जब पेशेंट्स खुल के नहीं बताते हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनको स्ट्रेस क्या है, वो रात को सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, और जब पेशेंट डॉक्टर्स एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। समझ में आ रही बात? तो बीपी बिल्कुल स्ट्रेस पे, और स्ट्रेस बिल्कुल बीपी पे बहुत घातक रोल प्ले करता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, फिर सवाल आया था हमारे पास, पेट सवाल, मैनेजमेंट एंड क्योर ऑफ सियाटिका पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो देखिए, सियाटिका पेन को कायदे से तो फिजियोथेरेपी से ही आप मैनेज कर सकते हैं, और B12 जो आपको लेना चाहिए सप्लीमेंट्स, B12 और आई एम नॉट श्योर प्रीगाबलिन या नॉल ये सेफ है या नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये मुझे भी देखना पड़ेगा, या आप गायनेकोलॉजिस्ट से अपने ओपिनियन ले सकते हैं कि आपके नसों में एक्चुअल B12 डिफिशियंसी इश्यूज हैं या पेन दब रहा है पीछे से सियाटिका। इसमें आपको एक्चुअल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और जो दूसरी अल्टरनेट थेरेपीज होती है, मसाज थेरेपीज, ये सब से आप करवा सकते हो। उल्टा तो लेट नहीं सकते, खड़े खड़े मसाज होगी, थोड़ी सी वो होगी ताकि वहाँ से पेन रिलीफ हो जाए। राइट, अगेन कोई ना कोई पोजीशंस आपको रिलीफ करेगी, उसको समझना होगा। एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल हेल्प कि पेन वापस ना आए। रिमेंबर ऑल दीज थिंग, इस समय ऑपरेशन तो हो नहीं सकता अगर सियाटिका यानी मसल वहाँ पे, सॉरी नर्व वहाँ दब भी रही है तो भी। राइट, नेक्स्ट सवाल, सर प्लीज़ बताएं रेबीज़ के बारे में, कुछ बताएं इसका इलाज क्यों नहीं है। मनीष जी, रेबीज़ के बारे में शायद आपने पिछली बार भी पूछा था,
देखिए, रेबीज ऐसी वो है, प्रॉब्लम ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी नहीं है। जैसे कई ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं निकला है, क्योंकि कई बार बीमारियां लाइलाज होती हैं, नहीं निकल पाती है या उतने। पहला चीज ये बात याद रखें, किसी भी बीमारी का इलाज के लिए तीन चार चीजें यानी लगती हैं। एक तो लगता है कि उसके पेशेंट बहुत सारे हो। दूसरा लगता है कि वो पेशेंट ज्यादा दिन जिंदा रहे, ज्यादा दिन जिंदा रहे, क्योंकि अगर पेशेंट को बीमारी हुई, वो ही खत्म हो गया, तो उसको समझने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो रेबीज की बीमारी में ऐसी होता है, काफी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं रह जाती। एक रेबीज वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। सो ऐसी ही एक इबोला वायरस, ऐसी ही एक कुछ कई वायरसेस है कि वायरस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते आप। वायरस एक तरीके का डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर होता है जो आपके बॉडी के अंदर, से उसके खिलाफ एंटीवायरल मेडिकेशन बहुत कम वायरसेस के खिलाफ आई है। आगे चल के शायद और बन जाए, लेकिन इस समय नहीं है। मेडिकल डेवलपमेंट चल रही है, उसको कितने साल लगेंगे क्या जाने। ठीक है, ये बात याद रखिए। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, जितना रेयर वायरस होगा उतना ही उसका इलाज उतना कॉमन नहीं होगा। जितने कॉमन वायरसेस होते हैं, फिर उनके लिए स्टडी के लिए सब्जेक्ट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, तो स्टडी भी जल्दी होती है, रिजल्ट्स भी जल्दी समझ में आते हैं। अब वायरस आपने मान लो कोई दवा बनाई भी रेबीज़ की, तो रेबीज़ का पेशेंट ढूंढने जाना पड़ेगा। एक एक बार टेस्ट करने के लिए एक पेशेंट मिला, मान लो मिल गया, उस पर टेस्ट किया, जब तक एक टेस्ट किया, एक बार किया, वो रेबीज़ का वायरस पेशेंट बेचारा वो खत्म हो गया। फिर दूसरे तरीके का आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो कहाँ से लाओगे तीसरा चौथा पेशेंट। तो नंबर ऑफ, वो बात समझिए कितने सारे फैक्टर्स हैं उसमें, राइट। या सिर्फ अगर डॉग्स में या इसमें भी बात करें तो भी इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि जो चीज़ आती है एक्चुअली यही रीजन होगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। थॉट प्रोवोकर, वेयर समाइनल वेसिकल फ्लूइडो इफ नो सेक्स। अच्छा, समाइनल वेसिकल फ्लूइडो फ्लूइड गो इफ नो सेक्स, सेक्स मास्टरबेशन नाइटफॉल। अच्छा, नाइटफॉल नहीं हो रहा, सेक्स नहीं हो रहा, मास्टरबेशन नहीं हो, तो समाइनो वेसिकल का फ्लूइड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है आपकी बॉडी में, जो सेल का काम नहीं है वो मर जाता है। आपके बाहर के सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, अंदर के सेल्स होते हैं वो मर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो एपोप्टोसिस हो जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, जो काम की चीज़ होती है वो रिसाइकल हो जाती है। ये आपकी बॉडी का बहुत सिंपल फंडा है, ये हर चीज़ के साथ होता है, चाहे वो समाइकल वेसिकल के फ्लूइड हो, चाहे वो आपके स्पर्म हो, जो भी आप इस्तेमाल नहीं, इवन आपकी मसल हो, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो डिसयूज एट्रोफी होती जाएगी। दिमाग है, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, न्यूरॉन्स या दिमाग के अंदर जो साइज है वो भी कम होता जाएगा। सो, ये हुई बातचीत, सारी हो गई है आपके सवालों के, पेड सवालों की। अब बात शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के सवाल, राइट। कृपया, अब सबसे नीचे आ चुका हूं मैं, तो अपने ब्लड प्रेशर के सवाल सबसे नीचे लिखना शुरू कर दीजिए, जिनके भी ब्लड प्रेशर के ऊपर सवाल है। मैं समझता हूँ आपने ऊपर ब्लड प्रेशर का सवाल लिखा होगा, लेकिन ऊपर का फिर से कॉपी करके फिर से लिख दीजिए, राइट। स्मार्ट बॉय जी का सवाल से हम शुरू कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा मेल एज 68, वांट डेली इंटरकोर्स बट वाइफ वांट्स इन 10 डेज, हु इज रॉन्ग, डेली डिस्प्यूट ड्यू टू दिस, नॉट मी बट माय पेरेंट। भैया, ये कहाँ से ब्लड प्रेशर का सवाल हुआ? सामने ब्लड प्रेशर लिख के हमें उल्लू बना रहे हो, है स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय बन रहे हो, नहीं दे रहे हम आपका जवाब, गलत बात है। हम आपसे कहें ब्लड प्रेशर का सवाल है तो ब्लड प्रेशर लिखो, आप तो ब्लड प्रेशर का सवाल लिख के उल्टा उल्टू बना रहे हो। ऐसी चीटिंग करोगे तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पहले 10 में आओ या फिर इसमें करो, तरीका है भाई साहब, गलत बात है आपकी। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ आप, क्षमा करिए, हमें ये वाली भाषा नहीं आती है पढ़नी, उर्दू, राइट। ओके, देन ब्लड प्रेशर पे हम सवाल ढूंढ रहे हैं नीचे सर। ऑल राइट, स्मोकिंग, बीपी, स्मोकिंग इन बीपी इज बैड, एब्सोल्युटली भैया, स्मोकिंग से आपके खून की नसों में इतने डैमेज होते हैं, इतने डैमेज होते हैं, इतने छेद हो जाते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि रिलैक्स करे, वो इतने कड़क हो जाती हैं कि उनकी इलास्टिसिटी खो जाती है, और स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर 100% होगा। किसी में जल्दी किसी में लेट, जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें हो सकता है लेट हो, जो नहीं करते उनमें ज़रूर होगा, तुरंत यानी जल्दी होगा, कितने टाइम में वो तो भगवान बताएगा। ऐसा हर एक का जीन्स अलग है, हर एक की जेनेटिक्स अलग है, पर स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर, कतई नहीं करनी चाहिए, राइट। राइट, बॉर्न विन वन किडनी बीपी, वन किडनी है तो बीपी का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और हाई बीपी रहेगा तो वो एक गरीब किडनी आपकी, अकेली किडनी डैमेज ना हो जाए। अगेन, किडनी डैमेज तब तक नहीं पता चलता जब तक 70-80% तक डैमेज ना हो जाए।
सर मेरा था क्वेश्चन, हर जी मेरा था क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिख देते, आ तो गया आपकी बारी, अभी नीचे लिख दो, मैं जा रहा हूँ नीचे बीपी के लिए, इसके नीचे लिख दो कोई बात नहीं। बीपी क्वेश्चन, सर पैरालिसिस और बीपी का रिलेशन समझाइए। देखिए ब्लड प्रेशर जब बहुत हाई हो जाता है, हाई 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 रहता है, और एनाटॉमिकली, एनाटॉमी मतलब कुदरती तौर पे आपकी खून की नसों में कहीं पर वीकनेस है, और उसके वजह से गुब्बारा जैसा बन गया है खून की नसों में, तो वो फट सकता है। फटेगा ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से नहीं, फटेगा कुदरती तौर पे वहां पर वीकनेस की वजह से, और वो वीकनेस किस में है किस में नहीं है ये कोई नहीं जान सकता, ये कुदरती तौर की बात है। किसी की वीकनेस यहाँ हो सकती है, किसी के दिमाग में हो सकती है, किसी की यहाँ हो सकती है, तो ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर में ब्लीडिंग होना जरूरी नहीं है। और दूसरा, नाक से ब्लीडिंग होती है वो पिकिंग की वजह से, नाक में जो उंगली डाल के ऐसे ऐसे खींचते हैं निकालते हैं या उल्टे सीधे पिकिंग करते हैं, नोज पिकिंग की वजह से होती है ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ये हुई बात। सॉरी। ओके, देन वी आर लुकिंग फॉर ब्लड प्रेशर मेडिसिन। सर ब्लड प्रेशर किस एज में और क्यों होती है? भाई साहब मैंने यही समझाया स्टार्टिंग के 10 मिनट, वो जाके देखिए, किसी भी एज में हो सकती है और क्यों होती है यही मैंने समझाया है। सर बीपी नॉर्मल रखने के लिए एक्सरसाइज बेटर है या डेली 5 किलोमीटर वॉक या नॉर्मल रनिंग? बीपी नॉर्मल रखने के लिए एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की, थोड़ी सी चैलेंजिंग हो वो बेहतर है, चाहे रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, राइट। देन उसके साथ आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, 6-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए, खाना प्रॉपर खाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू फॉर लाफिंग, जोक भी लिख देते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्यों हंस रहे हो। वॉट बीपी वॉट टू डू फॉर लेस बीपी, वही तो समझाए स्टार्टिंग की 10 मिनट, देखिए मूवीज ऑफ इंस्पिरेशन जी, वॉट टू डू फॉर लेस बीपी, अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ बीपी एंड देन कंट्रोल दोज रीजंस, देन योर बीपी विल बी लेस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर मैं कहूं आपको बीपी है और आगे आप जिंदगी में मरना नहीं चाहते हो, आधी जंग आप जीत सकते हो उस पर निगरानी रख के। अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके दुश्मन के ऊपर निगरानी रखे, चाहे वो आप किसी को मानते हो, वो 24 घंटे आपको बताए कि वो दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो है आपकी बीपी मॉनिटरिंग। आप दिन में एक बार बीपी चेक कर लो और उसको लिख लो, कितना मिनट लगता है, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, राइट, मशीन ले आओ, तो आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी, खत्म। क्यों? क्योंकि यार 10 दिन बीपी बढ़ा होगा, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाओगे, वो उसका मैनेजमेंट बता देगा। बीपी मारता है आपको स्लोली, जब सालों तक बीपी आपका हाई रहता है, सालों की बात ही नहीं आई, आधी जंग जीत जाओगे अगर बीपी का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दोगे, आधी जंग जीत जाओगे, ठीक है ना। ऑल राइट, ब्लड प्रेशर हाई रहता था। स्मार्ट बॉय जी, आपका पहला क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये हम नहीं जवाब दे सकते इसका, क्योंकि वो आपका साइकोलॉजिकल सवाल है, किसकी गलती हम कैसे बताएं। ब्लड प्रेशर राइट हाई रहता है क्यों? हेल्दी बॉडी ब्लड प्रेशर हाई बिल्कुल रह सकता है यार, अनलेस, ये नहीं है ब्लड प्रेशर हाई रहना बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो आगे चल के बीमारी हो जाएगी, ये समझो बात को। आपकी हेल्दी बॉडी अगर भागेगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होना बीमारी नहीं है, यही मैंने पहले 10 मिनट में समझाया है। हाई रहता है, जब भी गिनते हैं हाई रहता है तो 10 मिनट बाद फिर गिनो, हो सकता है एंजाइटी से थोड़ा सा बढ़ जाता हो, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले 10 मिनट का वो वीडियो देखिए, इसको वापस जाके आपको समझेगा। स्ट्रेस से बीपी बढ़ रहा है, आई एम 30, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, नाउ दैट्स द बिग क्वेश्चन, स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है? दो ही बड़े चीजें हैं स्ट्रेस कंट्रोल के लिए, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, अच्छी नींद और कारण। स्ट्रेस का कोई कारण है उसको हटाओ, जो भी कारण है, बंदा है, बंदी है, जॉब है, वट एवर इट इज, स्ट्रेस का जो कारण है उसको मैनेज करो, जैसे भी होता है। हाउ टू कंट्रोल बीपी, अगेन जैसा वही बताया मैंने, नमक कम रखिए, बीपी के कारण ढूंढिए, स्ट्रेस कम रखिए, नींद अच्छी रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बीपी कम होगा। माय पल्स इज 60 इज ओके। ब्लड प्रेशर, इज गार्लिक गुड फॉर बोथ हाई बीपी एंड लो बीपी एंड नॉट ओनली फॉर बीपी? गार्लिक इज गुड फॉर ऑल बीपीज, बिकॉज गार्लिक इज एंटी इन्फ्लामेटरी, वो आपके हॉर्मोन्स अच्छा रखता है। तो जितने भी आपके घर में मसाले हैं, जितने भी आपके घर में जीरा, राई, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब अच्छे हैं, इसको यूज़ करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको डेली यूज़ करिए, फिक्र मत करिए इसका। नमक थोड़ा सा कम यूज़ करिए बस, अगर बीपी हाई है तो, वरना बिंदास यूज़ करिए, बीपी कम है तो ज़्यादा यूज़ करिए। माय ब्लड, अच्छा बीपी, माय मदर बीपी नॉर्मल का, पर क्या फिर भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? बीपी नॉर्मल है तो क्यों मेडिसिन लेनी पड़ेगी भाई साहब? बीपी दवा लेते हुए नॉर्मल है,
हो सकता है दवा के वजह से नॉर्मल है, उस केस में अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज के लोअर साइड में है, बहुत सिंपल है, रेंज है 120-80 नॉर्मल की सेंट्रल लाइन है, उसके नीचे जाओगे 20 नीचे जाओगे 100/60 आ रहा है तो दवा आधी कर दो। अगर आपका 140-140 आ रहा है तो दवा आपको बढ़ानी पड़ सकती है, या आपको सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेस है। अगर बीपी लोअर साइड जा रहा है तो दवा कम करके देखो कि वो बीपी नॉर्मल तक आ जाएगा। अगर आपका हायर साइड जा रहा है तो पहले सोचो कि और कोई कारण है, कारण नहीं समझ आ रही है तो दवा बढ़ानी पड़ेगी। रेगुलर मॉनिटरिंग से समझ में आएगा जा भी रहा है कि सिर्फ ऐसे ही लग रहा है, समझ रहे हो बात को? नहीं तो फिर हमारा वीडियो फिर से देखना और बीपी के एपिसोड देखना, बढ़िया से समझ में आएगा। बीपी इज हेरिडेटरी, ऑब्वियसली थोड़ा सा फैक्टर है उसमें हेरिडेटरी, कि आपकी बॉडी, देखिए आपका मूड, बोलते ना भाई इसका तो नेचर उस पे गया है, जाता है ना, नेचर जाता है, नेचर गुस्सैल है तो बीपी भी बढ़ा हुआ होगा, जो गुस्सा ज्यादा करेगा उसका ज्यादा देर बीपी बढ़ेगा। वैसे ही जैसे आपका खून की नसें, आपके एनाटॉमिकल सिचुएशंस, ये सब में जेनेटिक्स का प्ले है, रोल है, डायबिटीज़ में भी, बीपी में भी, थायराइड में भी, आपका इवन स्मोकिंग करने वालों के अंदर भी जेनेटिक का रोल है, कि जिसके अंदर जीन्स ऐसी हैं कि आप रिक्रिएशनल चीज़ें करोगे तो उनके बच्चे और अच्छे बच्चे, उनके भी चांसेस होते हैं कि वो स्मोक करेंगे। डेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। एनी वेज, आपके आपकी लाइफ कैसे जी रही हो दैट चेंजेस योर जीन्स, ऑब्वियसली इट डज। आपकी म्यूटेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, आपके डीएनए चेंज होती है, डीएनए पूरा का पूरा नहीं चेंज होता, बट देयर इज अ गुड लर्निंग एबिलिटी आपके माइंड में जो होती है, राइट, दैट कैन गो फॉरवर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। ओके, देन नमक बंद क्यों कर दूं तो बीपी सही हो जाएगा? नहीं भैया, नमक बंद कर दो तो बीपी बहुत खराब, आपका बीमार हो जाओगे, नमक की आवश्यकता है। बताया मैंने अभी स्टार्टिंग में कि 1500 ग्राम 1.5 ग्राम 1500 मिलीग्राम 1.5 ग्राम नमक कम कर दे तक खाना कंपलसरी है, लो सॉल्ट डाइट में भी। वो क्यों है उसके ऊपर भी, सॉल्ट के ऊपर हमारे वीडियो है, सॉल्ट बाय डॉक्टर एजुकेशन जाके देखो, समझेगा लो सॉल्ट डाइट में, लो सॉल्ट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है उससे। नमक बंद मत कर देना, नेचुरली कंट्रोल करना है, एंजाइटी कंट्रोल करिए, डैश डाइट करिए, DASH डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये वीडियो है हमारे चैनल में, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है डैश डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पर टाइप करिए, वीडियो मिलेगा इंग्लिश हिंदी में, उसको देखिए, वो फॉलो करिए, बीपी कंट्रोल होगा स्लो स्टडी धीरे धीरे। मास्टर हेल्थ चेकअप यानी रिपोर्ट, समवन ऑफ फ्रेंड फैमिली मेंबर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दवाई के नाम बताओ। एक क्लिनिक नहीं है भाई साहब, यहाँ दवाई के नाम नहीं बताए जाते हैं, एजुकेशन होती है। दवाई के नाम बताने के लिए आपको हमारे क्लिनिक में, यहाँ बैठोगे तब हम दवाई के नाम लिख के देंगे आपको, ठीक है, या ऑनलाइन कंसल्ट करोगे, ऐसे नहीं बता सकते। क्षमा क्षमा क्यों नहीं बता सकते? एनीवेज बाकी क्या, लो ब्लड प्रेशर के लिए चाय पी लो, नमक कर शक्कर का घोल पी लो, ऐसी चीज़ें एक्साइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इससे बीपी बढ़ जाता है। एक साल से कॉनकॉर 2.5 में ले रहा हूँ, बीपी नॉर्मल आता है, क्या मैं मेडिसिन बंद कर दूँ? अगेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया रेंजेस के बारे में, रेंज के नीचे नीचे आता है तो आधे कर सकते हैं, आधी करके देख सकते हो। सो ऐसे नहीं होता, पहले एक हफ्ता चार्ट करो, एक हफ्ते का रिकॉर्ड को असेस करो कि आपका कहाँ आता है, फिर दिमाग लगाओ, ऐसे ऐसे बंद मत करो। गुड इवनिंग सर, मेरा बीपी 140/90 रहता है, मैं क्या करूँ? अगेन मॉनिटर करो, डैश डाइट खाना शुरू करो, नमक थोड़ा सा कम करो पहले। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय योर डाइट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 months, ये हमारा हिसाब होता है, एटलीस्ट मेरा प्रैक्टिस ऐसी चलती है। राइट, ब्लड प्रेशर कैनोला ऑयल और राइस ब्रान विच इज बेटर फॉर ब्लड प्रेशर? दोनों ही अच्छे हैं, कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो बेटर है राइस ब्रान से, तो वैसे दोनों चलेगा, बट कायदे से आपको हर 2 महीने 1 महीने 3 महीने में ऑयल्स चेंज करना चाहिए, चेंज करते रहो, मिक्स एंड मैच, ये फिर वापस ये। राइट, व्हाट इज नॉर्मल बीपी रेंज अबव 50 इयर्स ऑफ ओल्ड? अगेन कोई ये नहीं है, 120-80 इज द बेस्ट ब्लड प्रेशर, 20 ऊपर 20 नीचे चल जाएगा रेंज में, आपका वेरिएशन चेक करिए, 20 ऊपर 20 नीचे, 120-80, 140 के ऊपर लगातार है या 130 के ऊपर लगातार है, देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। राइट, ब्लड, ये हाँ भाई, हाई ब्लड प्रेशर हर ऑर्गन डैमेज करेगा, रेटाइना को भी, किडनी को भी, दिमाग को भी, खून को भी, खून की नसों को भी, आर्टरीज को भी, वेन्स को भी, और हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेगा जो डैमेज नहीं करेगा। तो रेटाइना को भी करेगा ही करेगा, राइट, दैट इज रेटिनोपैथी होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हार्ट बड़ा होता जाता है, मोटा होता जाता है, हार्ट में डैमेज होता है, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, हार्ट मोटा हो जाएगा तो
नेचुरली बीपी कंट्रोल करने का बता दिया। सडनली अगर बीपी 180 और 110 चला गया है, डॉक्टर से हार्ट नॉर्म एडवाइस, बीपी मेडिसिन, ट्राई टेकिंग एल्प्रेक्स ट्वाइस अ डे, बीपी डाउन टू 140, शुड ही स्टार्ट मेडिसिन, स्टॉप एल्प्रेक्स, ये कौन सा तरीका हुआ? एल्प्रेक्स क्यों ले रहे भैया? एल्प्रेक्स बीपी की दवा से भी खतरनाक दवा है, एल्प्रेक्स नींद की दवा है, वो उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, एल्प्रेक्स के बगैर फिर नींद नहीं आएगी, फिर बीपी बढ़ता रहेगा, जिंदगी भर परेशान रहोगे, एल्प्रेक्स मत लो, इससे अच्छा तो बीपी की दवा ले लो, इससे अच्छा नहीं तो डैश डाइट और वो ट्राई कर रहा है, एल्प्रेक्स लेने बैठ के किसने बोला भगवान क्या हो रहा है ये दुनिया में? एनीवे, ओह माय गॉड 40 मिनट्स क्रॉस, आई हैव टू गो, ऐसा नहीं, ओके सॉरी। बीपी का बहुत जबा बढ़िया मेडिसिन बढ़िया दे है, काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे चुका हूँ और 40 मिनट के ऊपर, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है इसको, क्षमा चाहते हैं आपसे हाथ जोड़ के, जिनके सवालों के जवाब नहीं आए हैं उनसे क्षमा, जिनके आ गए हैं वो अपने सवाल ज़रूर दूसरों को ज़रूर ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, उनका फ़र्ज़ बनता है, डबल बनता है, सारे अपने यूट्यूब सारे अपने उसमें क्या बोलते हैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में इस सेमिनार को शेयर करें, ये सेमिनार इंपॉर्टेंट लोगों को समझने के लिए और एक तरफ से अपने साथ जोड़ने के लिए, तो कम्युनिटी